Hello friends, I'm Sonam C. Chabra and I welcome you to the CSR Journal Presents Brands Impact Safar Kamyabi Ka Season 1. Hamari fashion partner hai Absoluto, the finer side of fashion. दोस्तों हमारे आज के शो के नायक हमारे प्रोटैगनिस्ट एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पहले गायकी फिर अभिनय के जरिए करोड़ों दिलों पर राज किया है और पिछले कुछ सालों में अपनी बेबाक बयानबाजी और अपनी दूरदर्शिता की समझ से राजनीति में भी अपना लोहा मनवाया है. भोजपुरी सिंगर के रूप में शुरुआत, फिर फिल्मों की दुनिया में होते हुए राजनीति में पैर जमाने वाले श्री मनोज तिवारी दिल्ली प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष बन चुके हैं. इनके नेतृत्व में पार्टी ने हाल ही दिल्ली के एमसीडी इलेक्शंस में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. सो फ्रेंड्स, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द न्यू एज पॉलिटिशियन, द वेरी टैलेंटेड सिंगर एंड एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, टेलीविजन प्रेजेंटर, द मल्टी टैलेंटेड, द वन एंड द ओनली मनोज तिवारी. एक बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी आपकी जो रही है, आपके सफर के ऊपर आइए एक नजर डालते हैं. चट देनी मार दे खींच के तमाचा ही हंस दिले ही हंस दिले रिंकिया के पापा ही हंस दिले रिंकिया के पापा. चोरी 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 अखिया लड़ल सखिया लड़ल तया के बत्तिया बढ़ल हरे बत्तिया बढ़ल तक गजब हो गई राम सब हो गई. आप पेंट वाली क्या बोला? एक 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 सेकेंड एक सेकेंड. वो जो बानर आया था लंका जला दिया, वो सर्जिकल स्ट्राइक वाला. गोरिया चांद के अंजोरिया नियर गोर बाड़ू हो तो हर जोर गेहूं नहीं के बेजोड़ बाड़ू हो तो हर जोड़ केहूं नहीं थे बेजोड़ बाड़ू. बोल कली ट्विटर वा पर जोर कली फेसबुक वा पर तोहरे खातिर गूगल वा के पछाड़ देली मिरर वो में बुझाला तू नींदियों में समाला तू तोहरे लगनिया में पगला गई हो. तू का सोडवा के बोतल हम ढक्कन तोहार तू कड़क मिठाई हम मक्खन तोहार हमरे दिलवा के तो मनोज जी, सिंगिंग से लेके फिर अभिनय की दुनिया पर आपने राज किया और फिर आज राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है आप, तो इसके पीछे जो संघर्ष की कहानी है जिसे बात करने के बारे में आपकी आंखें नम हो जाती हैं, उस संघर्ष के बारे में हम जानना चाहेंगे. शब्दशः तो नहीं बता सकते क्योंकि वो समझ में भी नहीं आता है कब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या अच्छा था क्या बुरा था. लेकिन हां, जैसे ही एक ये सब दृश्य देखते हैं हम लोग तो फिर मुझे बहुत कुछ याद आता है. याद आता है वो गांव का स्कूल, 15 अगस्त, गोबर से लीपता हुआ झंडे के नीचे का वो हिस्सा जहां झंडा लगाया जाता है तिरंगा, चार चार किलोमीटर पैदल जाके स्कूल पहुंचना और फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सफर, प्लेटफॉर्म पे सोना, दातुन खरीद के प्लेटफॉर्म पे अखबार बिछा के सोना, फिर बाहर पानी से मुंह धो के फिर फ्रेश हो जाना. क्या बात. तो ये सब कुछ वैसे तो मुझे अपना जीवन एक सपने जैसा लगता है कि पता ही नहीं चलता मैं ही हूं जो उस रास्ते से निकल करके इस भीड़ में एक जो भी छोटी सी पहचान बनी है. मुझे लगता है लोगों ने बहुत प्यार दिया, जो भी मिला
मैक्सिमम लोगों ने बहुत स्नेह दिया है, तो वो लाइन हमारे ऊपर बहुत सही बैठती है कि क्या मैं तो निकला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। बनता गया, क्या बात है। तो मेरे जीवन की कहानी अभी तक की जो है, मैं उसमें आंसुओं में जाना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि सब अच्छा हुआ है। जिसने कभी रोकने की कोशिश की, नहीं रोकने की कोशिश करता तो मन में एक उसको पीछे छोड़ने का मन नहीं, इच्छा शक्ति नहीं होती। जब कोई हमारे लिए ब्रेकर नहीं लगाता तो फिर ब्रेकर फाड़ने की इच्छा नहीं होती। तो मैं समझता हूं, मैं सबको बोलना चाहता हूं कि आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, ब्रेकर्स आते हैं, अपमान आता है, कुछ लोग आपका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, तो सब आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको आगे जाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। उस समय नहीं हारना है तो शायद अच्छा ही होगा। तो मुझे क्या पता था कि चलते चलते एक दिन नरेंद्र मोदी जी मिल जाएंगे हमें। क्या बात है, नरेंद्र मोदी जी मिले और ऐसे मिले कि आज आप दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं और बहुत ही ऐतिहासिक जीत दर्ज की है आपने एमसीडी इलेक्शंस में। तो मनोज जी, ये सफर शुरू हुआ, हम सब जानते हैं भोजपुरी सिनेमा के आप सुपरस्टार रहे हैं, लेकिन सफर शुरू हुआ गायकी से। आपकी पहचान थी आपकी आवाज, आपकी मधुर आवाज जिसने लाखों दर्शकों का दिल जीत लिया। तो गायकी से शुरुआत के बारे में कुछ बताइए। मैंने कहीं सुना था कि पहली एल्बम के कुछ 10-12 हजार रुपए मिले थे आपको। एल्बम तक पहुंचे कैसे, ये तो एक सबसे बड़ी कहानी जी, बिल्कुल हम जानना चाहेंगे। मतलब मुझे जब 31 अक्टूबर इंदिरा जी की हत्या हुई, बिल्कुल, और पूरा देश रोया था, तो हम लोगों को भी उसमें तकलीफ हुई थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि ऐसी आतंकवादी घटना देश के प्रधानमंत्री के साथ हो सकती है। तो मैंने अखबार की कतरनों से गीत बनाया था और उसको कहीं गाया तो पूरी सभा रो रही थी, और फिर अब आपके गीत से, आपके लय से, आपके भाव से, गीत लिखा भी मैंने था, अगर पब्लिक इतना इंप्रेस हुई तो धीरे धीरे मेरी पहचान बनती गई कि अरे यार, ये तो मनोज तिवारी कोई सी इशू को गीत बना के गाता है और बहुत अच्छा से गाता है। क्योंकि उसके पहले सिर्फ मैं हल्दी घाटी गाता था, शनिवार को अपने स्कूल में मैं हीरो होता था, मैं शनिवार का हीरो था। पूरे दिन हमको ढूंढा जाने ढूंढा जाए, गुरु जी लोग भी बोलते थे शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हम मनोज तिवारी को बुलाओ। अरे में तो मनोज जी के बारे में बहुत कुछ नया, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प बातें पता चली। इनके खास मित्र, इनके दोस्त वीरेंद्र वर्मा जी से लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आपको वॉलपुटी का स्पेशलिस्ट चाहिए, ये लीजिए सकर्णी वॉलगार्ड। आपसे दीवारों के लिए सिर्फ सकर्णी वॉलगार्ड। सकर्णी वॉलगार्ड, रखे दीवार जानदार शानदार। हेलो एंड वेलकम बैक टू द सीएसआर जर्नल प्रेजेंट्स ब्रांड्स इंपैक्ट सफर कामयाबी का सीजन वन। तो हम बात कर रहे हैं जाने माने गायक, अभिनेता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी से, और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं उनके खास मित्र, उनके 3 AM फ्रेंड श्री वीरेंद्र वर्मा, हु इज ऑल्सो द मेट्रो एडिटर ऑफ नव भारत टाइम्स। तो वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में सफर कामयाबी का। बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ हमारे साथ आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको भी थैंक यू कि वीरेंद्र को यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि ये इनका यहाँ, मैं तो चर्चा शुरू हुई तो मुझे क्या पता कि आएंगे भी, बट आपने बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति को, हमारे दोस्त को बुलाया, जिसका रियली मेरे लाइफ में, मैं इनसे शेयर भी करते रहता हूँ क्या क्या हुआ है, बिल्कुल टाइम टू टाइम, और कहीं ना एक मेरे चेंज ऑफ सिंगर टू एक्टर
उसमें बड़ा योगदान है इनका। अरे वाह, तो वीरेन जी जैसा कि मनोज जी ने कहा, चेंज ऑफ सिंगर टू एक्टर और फिर चेंज ऑफ एक्टर टू पॉलिटिशियन में बहुत बड़ा योगदान आपका है। देखिए दोस्तों का तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हम सबकी लाइफ में, हम अपने सुख दुख उनसे बांटते हैं, उनसे हमें प्यार स्नेह मिलता है। तो वीरेन जी कुछ बताइए मनोज जी के बारे में, दोस्ती के बारे में, कहाँ से शुरुआत हुई और कैसा रहा ये दोस्ती का सफर? बोलो बोलो, बोलो। मनोज जी से मेरी मुलाकात दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई थी, और ग्वायर हॉल में दो, हाँ ये साल 2000 की बात है, वहाँ पे एक मैं गाना गाने आया था। यानी 17 साल लंबी दोस्ती, 17 साल पुरानी बात है। मनोज जी गाना गाने आए थे और मैं सुनने गया था, तब मैंने देखा इनके इनके गले में तो सरस्वती स्वयं विराजमान बैठी हैं, इतना सुन के मैं इतना मंत्रमुग्ध हुआ, मैं इनसे मिलने गया, इन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, फिर हमारी दोस्ती लगातार वहां से शुरू हो गई। हम बीच में बातें करते रहे, एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहे, मिलते भी रहे। फिर क्या हुआ कि 2003 में मनोज जी बॉम्बे गए, उनको एक फिल्म का ऑफर मिला, एक फिल्म करनी थी। एक सेकेंड, हाँ, पॉज। मैं क्यों गया, क्योंकि हाँ, मैं तब ये नोएडा वगैरह में गाना गाते रहता था और हम लोगों ने वीडियो करना शुरू किया था जी, क्योंकि नया नया वीडियो का सब आया था, सब बड़े बड़े सिंगर्स का वीडियो आने लगा, तो मैंने भी एक वीडियो बनाया था। तो इन्होंने बोला था यार हीरो लगते हो, बिल्कुल हीरो लगते हो, इन्होंने तब बोला था यार हीरो लगते हो, तो मेरा एक कहीं ना माइंड में, आज मैं आपको कभी बताया नहीं, इन्होंने कहा तो मैंने कहा यार ये वीरेंद्र को लग रहा है कि मैं हीरो लगता हूँ, तो मैं हीरो हूँ, वी शुड ट्राई। तो वीरेंद्र जी कहते हैं कि कभी कभी जबान पे सरस्वती बैठती है और कोई बात कहते हैं तो वो सच हो जाती है, तो आपने मनोज जी को कहा कि क्या बात है हीरो लगते हो, हीरो लगते और हीरो बन गए, और हीरो भी ऐसे बने कि भाई सुपर स्टारडम तक पहुंच गए हैं। तो इनके बारे में कुछ दिलचस्प इंटरेस्टिंग बातें इनके बारे में जो ये खुद नहीं बताएंगे हमें। बिल्कुल, तो जब दिल्ली में आए थे तो लोधी कॉलोनी में एक बरसाती थी, बरसाती में रहते थे, इनके एक रिश्तेदार थे, तो वहां पे काफी टाइम तक बरसाती में रहे। वीरेन जी मैं टोकूंगी आपको, एक मिनट इंटरप्ट करूंगी, ये बरसाती में रहते थे जी जी, यानी एक परछत्ती टाइप की, स्टार बनने के बाद, स्टार बनने के बाद, स्टार बनने के बाद में लोधी कॉलोनी की बरसाती मतलब सर्वेंट क्वार्टर, जो बिल्डिंग में ऊपर एक कमरा बना होता है छत पे, लेकिन वो हम लोगों को महल से कम नहीं लगता, ऐसा लगता था पूरा महल का मालिक मैं ही हूँ, ऐसी फीलिंग आती थी। क्या बात है, बिल्कुल वहाँ पे रहे, वहीं पे हमारे साले भी रहते थे, वहाँ जी वहाँ पे रहते थे, अरुण पांडे जी वहाँ रहते थे, और धोनी जी भी वहाँ कभी कभी आते थे। बताया ना आपको कि हम लोगों का एक तो अब तो कहने में भी अजीब लगता है, सारे लोधी कॉलोनी वाले बोलेंगे कि यार आया था बताते नहीं थे, बट ठीक था ये। बिल्कुल, और भी कई ऐसी बातें हैं ना जो इनके संघर्ष से जुड़ी हुई हैं। इनका ये बनारस में पढ़ने आते जब 12th स्टैंडर्ड में थे, तो वहां से एक ट्रेन आती थी, वो 70 किलोमीटर दूर इनका गांव था, तो ट्रेन दोपहर में चलती थी और रात को पहुंचती थी, ये 2 बजे पहुंचते थे वहां। फिर क्या होता था कि अब जाए कहां, आसनसोल वाराणसी पैसेंजर, जाए कहां है ना, सोए कहां, तो अखबार बिछा के नीचे प्लेटफॉर्म पे सो जाते थे, और हाँ सुबह उठते थे। मैंने बताया ना आपको शुरू में कि आप प्लेटफॉर्म पे जी प्लेटफॉर्म सोते थे, तो मैं इनसे शेयर करते रहता था, बताते रहते थे कि ऐसे मेरी लाइफ में हुआ, ऐसे रहा मेरी लाइफ, संघर्षों की कहानी रही, वहीं से जो पब्लिक टॉयलेट था फ्रेश होके और फिर अपने स्कूल में चले जाते थे। वीरेंद्र वर्मा जी मेट्रो एडिटर है नवभारत टाइम्स के, कि नेताजी और एडिटर जी की दोस्ती, इसके बारे में जरा बताइए, ये इक्वेशन कैसे बनती है आपकी? इन्होंने एक इंटरव्यू मेरा छापा, वो जिस एंगल से छापे, तो एक इंटरव्यू में तो हम एमसीडी जीत गए, एक और करवा दीजिएगा। क्या बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी दोस्ती है ये, बहुत ही दिलचस्प बातें पता चल रही हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हुए मनोज जी से हमारा सवाल, मनोज जी दिल्ली से आप जुड़े हुए हैं, आपसे बात करके और हमें पता चला कि आप ग्रास रूट लेवल पे टेली हाइट से जुड़े हुए हैं, तो दिल्ली की असली समस्याएं क्या क्या हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है जी। देखिए आप जब भी जिस कर्तव्य पे हो जी, आप उसकी रियल प्रॉब्लम्स को ढूंढने की कोशिश करें, आपको मिल जाती है। अभी दिल्ली की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पोल्यूशन।
दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वाटर, लोगों को पानी घर घर में पहुंच जाए, लोग पैसा भी देना चाहते हैं पानी का। बहुत गरीब गरीब झुग्गियों में जाइए, वो बोले मैं पैसा देने को तैयार हूं, क्योंकि इस समय तो 15 रुपया 20 रुपया लीटर पानी खरीद के मिनरल वाटर पी रहे हैं। और लोगों को पता है कि वो पानी तो बड़ा पानी फ्री में जा रहा है, पानी पानी आए तब ना फ्री में होगा जी, हमने कह दिया आपको ये सुविधा फ्री में मिलेगी, असुविधा नहीं है। तो दूसरी समस्या पानी है, लोग पांच पांच घंटा एक एक घर के दो दो लोग तीन तीन लोग पानी भरते हैं दिल्ली में, कैन यू इमेजिन। हमने हम भी अपने इस, अपने स्तर पे पानी प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर पे। हाँ, कैसे? जैसे मान लीजिए अपनी कोशिश करनी चाहिए, हम बाथरूम में नहा रहे हैं, रोज नहाते हैं, दो तीन बाल्टी पानी से नहाते हैं जी। अब वो पानी जहां गिर रहा है वो नाला में जा रहा है जी। अगर आप उस पानी को अपने सीधे लॉन में कनेक्ट कर दीजिए अपने बाथरूम से, तो आप नहाए भी और पानी से घास भी नहाए, पौधे भी नहाए, उससे आप छिड़काव भी कर दीजिए। मैंने ये व्यवस्था किया है। आपने ये व्यवस्था की है अपने घर में? जी, अपने बाथरूम से जो पानी से नहाता हूँ वो पानी नली में न जाके जी सीवर में उसको हम अपने लॉन में ले जा रहे हैं। तो दोस्तों छोटी सी बात है लेकिन बड़ी इंस्पिरेशनल है कि नहाने का पानी जो हम लोग वेस्ट करते हैं उसे कैसे कंजर्व, कैसे प्रिजर्व किया जाए, इसका एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आज के हमारे नायक। तो आगे बढ़ते हुए मनोज जी, ये जो समस्याएं हैं जो दिल्ली की रूलिंग पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, आप इनका समाधान क्या मानते हैं? क्या कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो सकता है जो अपने साढ़ू भाई को बिना काम किए फर्जी बिल पे भुगतान करा दे, और दो चार लाख दस लाख नहीं, दस दस करोड़। आज जो मैंने रास्ते में देखा ना टाइल्स तोड़ के फिर टाइल्स लगाते हुए, ये भी अभी मैंने पता किया है, मुझे लगता है वो भी उन्हीं के साढ़ू भाई का ही कंपनी का काम है। इनके 50-60 फर्जी कंपनियां बनवा करके ये लोग काम करा रहे हैं, और कहीं कहीं तो बिना काम के ही बिल भुगतान हो रहा है, और वही बिलों का भुगतान फिर घुमा करके पार्टी में चंदे के रूप में आता है, और चंदा जिस एड्रेस से लिखते हैं वो एड्रेस ही नहीं होता है जी। मरम्मत का सामान जिस दुकान से लाते हैं वो दुकान ही नहीं होती है, और जो चंदा आता है इनकम टैक्स पूछता है कितना आया, तो उसको बताते हैं 60 करोड़ आया जी, फिर अपने वेबसाइट पे लिखते हैं 6 करोड़ आया, फिर इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं जी 9 करोड़ आया। तो ये जो चंदा का धंधा है, अगर उसमें सीएम फंस गया है तो ऐसे व्यक्ति को निकाले बिना उस प्रदेश का लाभ नहीं हो सकता, काम नहीं हो सकता। मैं तो बहुत, अभी तो आप देखिए ना, रोज रोज हम एज प्रदेश अध्यक्ष हम परेशान हैं, रोज इन्हीं फर्जीवाड़ों पे हमको बोलना पड़ता है। हम चाहते हैं हम झुग्गियों में जाएं, वहां हर झुग्गी झुग्गी जहां जाते हैं, हमारा गीत है कि झुग्गी झुग्गी जाना है, हर घर में दीप जलाना है, दिल्ली के बच्चों के चेहरे पर खुशियां बिखराना है, हम चलेंगे संग किसानों के, हम चलेंगे संग जवानों के, राष्ट्रवाद की अलख जगाते दिल्ली के दीवानों के, ये हमारा मंत्र है। सीसीटीवी एलईडी से सहज सुरक्षा लाना है, ये सारे हम इन गीतों को गाते हुए बढ़ रहे हैं, लेकिन टाइम ही नहीं हमको दे रहे हैं। रोज पता चला कि यहां पे यहां ड्रेन तोड़ रहे हैं मरम्मत के नाम पे, यहां टाइल्स तोड़ रहे हैं मरम्मत के नाम पे, और दिल्ली के गरीबों का पैसा बह रहा है 16,000 की थाली में, 90 करोड़ के भुगतान में, और 4 करोड़ की वकील की फी में। क्या है, ईश्वर माफ नहीं करेगा। हम इस आधार पे भी सोच रहे हैं कि आप अपनी चालाकी से चाहे जितना दिन राज कर लो, ईश्वर माफ नहीं करेगा। वीरेन जी, आवाज तो इनकी है ही बहुत मधुर, आई एम श्योर आप दोस्त हैं, खास मित्र हैं, रोज सुनाता जब साथ बैठते होंगे तो इनका फेवरेट गाना
सर दो लाइन, आप तो दोस्त हैं, आपको तो सुनने को मिलता है, उन्हीं की आवाज अच्छी है, उन्हीं से सुनिए। हाँ तो हम यही बोल रहे हैं कि अगर आप रिक्वेस्ट कर दें, हमारी तरफ से सिफारिश लगा दें, तो दो लाइन हम भी सुनेंगे प्लीज। बिल्कुल सुना दीजिए। नहीं, मैं मेरे कुछ ऐसे गाने हैं, जब ये मिले थे 2000 में जी, तो मैं जिस गाने के कारण वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्वायर हॉल में आया था जी, वो गाना बेरोजगारी का है। तो मनोज जी दो लाइन हम सुनना चाहते हैं। सी ए से काके बी ए बचवा हमार कंपटीशन देता, एम आई में लेके एडमिशन कंपटीशन देता, अरे पढ़े में तटापे हुए गोरगार दे बा घर के करे जाऊए बहुते स्नेह बा। ये जानते हो कौन कह रहा है जी? पिताजी कह रहे हैं लड़की वालों से, जो लड़की शादी के लिए आया है ना, तो लड़की के पिताजी को लड़के के पिताजी बता रहे कि मेरा बेटा बहुत पढ़ने में टॉप क्लास है, 15-20 साल से पढ़ रहा है, उनको क्या पता उसका नौकरी नहीं लग रहा, तो झूठ बोल रहा है। ये उस समय मेरा गाना बहुत थिरता और इसके लिए मैं आया था कि अरे चानी पर के बार झरल मोछ के निशान नहीं खे, आयो भर भइल एज बाकिर तनिको परेशान नहीं खे, मन में मनोजवा के बा भारी सस्पीशन कंपटीशन देता। अब जितने लोग भोजपुरी समझने वाले होंगे वो इस समय टीवी के सामने हंसते हंसते गिर गए होंगे। कंपटीशन देता, हाँ वही हमारी यूएसपी है। तो यंग डायनामिक पॉलिटिशियन हैं आप देश के, मनोज जी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप युवाओं को जो आपसे इंस्पायर होते हैं, जो आपको अपना आइडल मानते हैं? एक तो मैं सबसे बोलना चाहूंगा, नौकरी की तलाश छोड़ दो, रोजगार की तलाश करो जी। अब नौकर नहीं बनना है किसी का, अपना रोजगार करेंगे और अपना मालिक खुद बनना है, अपने भविष्य का संवारने वाला खुद बनना है। फर्स्ट, कभी डिप्रेशन में मत जाओ, आप ये मान के चलो, सबने समाधि सुनी होगी ना, समाधि ली जाती है जी, समाधिस्थ रहिए, समाधिस्थ हम हैं, हम मनोज तिवारी हैं, हम अचानक इसमें से निकल के दूर से देखना शुरू, अच्छा मनोज तिवारी काम कर रहा है, देखो क्या अभी फंसा हुआ है इस प्रॉब्लम में, देखें कैसे निकलता। आप अपने को एक करैक्टर की तरह निकल के कभी कभी देखना शुरू करो, हर काम को एंजॉय करो, फिर डिप्रेशन होगा ही नहीं भाई। फिल्म होता है ना, फिल्म में कभी कभी आपको भिखारी का रोल करना पड़ता है, कभी कभी आपको मार खा के जमीन पे गिरना पड़ता है, तो आप समझ लो कि आपके जीवन का ये फेज चल रहा है जिसमें आपको इस एक्ट में ईश्वर ने लगाया है, उसको अच्छे से करते चलो पॉजिटिव माइंड के साथ। इतना हो गया तो जीवन का आनंद आने लगेगा, और आनंद ही जीवन है, जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक इस जीवन का कोई मतलब ही नहीं है जी। मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि चुनौतियों को आने दो, विनम्रता कभी मत छोड़ो और हारो कभी मत, कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर से खुशियां ढूंढनी पड़ेगी, दुनिया का कोई व्यक्ति आपको खुशी देने नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से मनोज तिवारी जी की जर्नी से हम इंस्पायर हुए, उनके कामयाबी के सफर के बारे में हमने बात की। कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होते, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और मनोज तिवारी जी आज हमें यही सिखा के जा रहे हैं कि विनम्रता मत छोड़िए और चुनौतियों को चुनौती नहीं अवसर मानिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज तिवारी जी आज हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र वर्मा जी, आपने जो दिलचस्प बातें हमें बताई उसके लिए एक यहाँ छोटा सा टोकन ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन हमारी तरफ से आपके लिए। मनोज जी आप यहाँ हमारे साथ आए हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों, मनोज तिवारी जी से बात करने के बाद आज हमें पता चला कि सफलता की सीढ़ी चुनौतियों से होकर गुजरती है। हमारी तकदीर इत्तेफाक से नहीं बनती, ये हमारे फैसलों से बनती है। जीतने वाला नायक वही होता है जो जिंदगी में सभी मुश्किलों पर हावी होकर जीतने का हौसला रखता हो, क्योंकि उसे यह बखूबी पता होता है कि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। कामयाब होने के लिए हमेशा यह सोचें कि इस काम के लिए आपसे ज्यादा काबिल व्यक्ति तो इस दुनिया में है ही नहीं। अगर आपकी भी ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी है और आपको लगता है कि हमारे पूरे देश की जनता आपकी कहानी से प्रेरणा ले सकती है, तो हमें लिख भेजिए info@safarkamyabika.com पर। आप हमें फोन भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9599506639। वेल, इफ योर स्टोरी इज ट्रूली इंस्पिरेशनल, देन वी आर डेफिनेटली गोइंग टू इनवाइट यू ऑन आवर शो एंड शेयर योर स्टोरी विद द वर्ल्ड। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में एक बार फिर मुलाकात होगी, जिसमें हम आपको एक और रोचक कामयाबी के सफर से रूबरू करवाएंगे, उस प्रोग्राम में जिसका नाम है द CSR जर्नल प्रेजेंट्स ब्रांड्स इंपैक्ट सफर कामयाबी का। हमारे फैशन पार्टनर है एब्सोल्यूट होम। तब तक के लिए मैं सोनम सी छाबड़ा आपसे इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगी। अर्ज किया है कि जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समंदर पर भी पत्थरों से पुल बना देते हैं। जन्म से